नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर दोस्तों चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करने वाले एक निगरानी के हाथों वीडियो गिरफ्तार शिक्षक का कर रहे थे शोषण, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी खबर सबसे पहले मिल जाए आपको। जमुई में चकाई के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामस्वरूप प्रसाद को निगरानी की टीम ने बुधवार की देर शाम 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी गोपाल पासवान के नेतृत्व में निगरानी टीम ने कार्रवाई की। बीईओ रामस्वरूप प्रसाद को चकाई बाजार में स्थित उनके किराए के आवास से पकड़ा गया। उनके खिलाफ चकाई के एक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने 2.25 लाख रुपये एरियर की निकासी के लिए 20,000 रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत निगरानी विभाग से की थी। टीम ने शिकायत के आधार पर सत्यापन किया और जांच में सही पाए जाने पर बीओ के खिलाफ जाल बिछाया। बीओ ने रिश्वत लेने के लिए शिक्षक को अपने आवास पर बुलाया था। पुलिस की गाड़ी बीओ के आवास के आसपास लगी थी जिसमें पुलिस के जवान बैठे थे। जैसे ही शिक्षक ने रिश्वत दी, पहले से जाल बिछाई निगरानी की टीम ने बीओ को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बीओ को ट्रैप करने की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। चकाई के साधन से आमिर दास ने बताया कि बीओ की गिरफ्तारी की जानकारी उनको भी मिली है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।